हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कुबरनेटिस का, जिसमें हम लोग मल्टी नोड क्लस्टर जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा सेटअप करेंगे। तो कुबरनेटिस में जो मल्टी नोड क्लस्टर होता है ना, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी एक तरीके से है, जिसमें एक क्लस्टर में दो या उससे ज्यादा फिजिकल या वर्चुअल मशीन्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, जिनको नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो हर एक नोड जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग यूनिट होता है, जिसमें उसकी अपनी खुद की सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क रिसोर्सेस सारे होते हैं। ठीक है, इन नोड्स को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो एक यूनिफाइड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बना सके। ठीक है, हर एक नोड जो होता है वो कुबरनेटिस क्लस्टर के हिस्से के रूप में मतलब काम करता है और एक स्पेसिफिक रोल अदा करता है, जैसे कि वर्कर नोड या कंट्रोल प्लेन नोड जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्कर नोड्स पर कंटेनर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि कंट्रोल प्लेन नोड क्लस्टर की ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए जो होता है जिम्मेदार होता है एक तरीके से। ठीक है, तो मल्टी नोड क्लस्टर जो है वो एडवांटेज उसका यह है कि अगर एक नोड फेल हो जाए तो दूसरे नोड एप्लीकेशन को सीमलेसली हैंडल कर सकता है, मतलब कि जो ट्रैफिक होगा वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस अचीव होती है। इसके अलावा ये स्केलेबल भी होता है, मतलब कि आप नोड्स को इजिली एड या रिमूव कर सकते हैं एज पर वर्कलोड रिक्वायरमेंट। ओवरऑल मल्टी जो नोड क्लस्टर होता है वो एक रोबस्ट और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट मॉडल है। तो बेसिकली ये वर्क करता है मास्टर और वर्कर के हिसाब से। ओके भाई, तो हमने मास्टर जो है वो क्लोन कर लिया है। ठीक है, हम जब वर्कर वर्कर क्लोन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्लोन कैसे करते हैं। ठीक है, इसी मास्टर को हम क्लोन कर लेंगे। ठीक, तो इसको मैं सेंटोस को मैं फिलहाल यहां से बंद कर देता हूँ, और इस मास्टर वाले को यहां से हम थोड़ा इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं, मतलब हमें मेमोरी और प्रोसेसर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ मेमोरी की जो बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2600 दे देता हूँ, मतलब कि 2.5 GB की रैम इसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, और इसे मैंने कर दिया ओके, एंड इसको ऐड करके इसके प्रोसेसर भी मैं कर दूंगा 2 प्रोसेसर। ठीक है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा हमें हैवी जरूरत पड़ती है इस चीज की, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ जो कोर था उसको भी 2 कर दूंगा, टोटल प्रोसेसर कोर इसको मिल जाएंगे 4। ठीक है, तो यहां से मैंने इसे कर दिया डन। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर मैं यहाँ पे एक बार वापस से आपको दिखा दूं, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। इनको मैं नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर को मैं सिंगल कर देता हूँ। ठीक है, यहां से ऐसे करके तो प्रोसेसर हो गया इसके 2 और इसको रैम मिल गई 2.5 GB। यहां से हम कर लेंगे पावर ऑन वर्चुअल मशीन, और इसमें हम कुछ चीजें इस पे रेडी कर लेंगे। ठीक है, जो मुझे पैकेजेस, जो डिपेंडेंसीज वगैरह चाहिए वो इस पे हम इंस्टॉल कर लेंगे, एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद जब हम क्लोन कर लेंगे ना, तो उसमें हमें वो चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, वरना हमें सब पे सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी। राइट, इसको यहां पे करना है आपको सेलेक्ट, जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे आपको यहां कर देना डन। ठीक है, और यहां से आपको इंस्टॉलेशन मीडिया जो है उसको वेरीफाई कर लेना, यहां से यहाँ पे आपको डन कर देना है, एंड यहाँ से आपको कर देना है डन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे सर्वर विद GUI, और इसे कर दूंगा मैं डन। ठीक है, और इंस्टॉलेशन के लिए बात करेंगे हम, इस पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है डन पे, ये भी हो जाएगा डन। ठीक है, और KDMI की हमें कोई जरूरत नहीं है, KDUMP की। और नेटवर्क होस्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको इथरनेट ऑन कर देना है, एंड यहाँ पे कर देना अगेन डन। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड ये हमारी सेटिंग करने के बाद मुझे यहाँ क्लिक करना होगा बिगेन इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। उससे पहले मुझे रूट पासवर्ड यहाँ सेट करना है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ रेड हैट। ठीक है, और इसका पासवर्ड कर दूंगा रेड हैट। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से डन, क्योंकि मैं जब भी रूट का बनाता हूँ हमेशा रेड हैट रखता हूँ उसका पासवर्ड। तो आप लोग भी सेम रख सकते हो, एंड यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हो, मैं डाल दूंगा सेम टू सेम। ओके, और यहां मैं रख दूंगा सेम नाम। ठीक है, मेरा नाम ही पासवर्ड है, नाम ही यूजर नेम है, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो ये मैंने कर दिया है, एंड हम वेट करते हैं यहाँ पे जब लिख के आएगा रीबूट का लिए, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक इसको हो रहा है इसको होने देते हैं। जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा आपको क्लिक कर देना है रीबूट पे। ये हो सकता है आप लोगों के लिए काफी टाइम ले ले, जस्ट बिकॉज कि काफी लोगों के रैम्स वगैरह उतनी हाई नहीं होती है। ठीक है, उतनी मेमोरी वैसी नहीं होती है, तो चांसेस ज्यादा है कि आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लग सकता है। आपको यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है एस्केप, क्योंकि आपको रीबूट नहीं करना है पूरा पूरा। यहाँ पे कर देना है एंटर, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पर, और यहाँ कर देना आई एक्सेप्ट, और आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है ऊपर, एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पर। यहाँ आपको कर देना है नॉट लिस्टेड पे, एंड यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा रूट से लॉग इन। पासवर्ड आप सबको बताया था मैंने, रेड हैट है पासवर्ड। और आप लोग अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे मैंने आपको तरीके बताए थे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप प्लेग्राउंड के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप जा करके AWS पे भी डायरेक्टली VM बना करके भी आप ये चीज मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे हम राइट क्लिक, और यहाँ मैं कर लूंगा ओपन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है टर्मिनल हो चुका है ओपन। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर लूंगा,
ओके तब तक मैं यहाँ पे कुछ आपको नेक्स्ट 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 कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट यूजिंग सेंटोस लिनक्स। ठीक है, इसको मैं कर लूंगा जूम थोड़ा सा। ठीक है ओके, तो अब यहाँ पे हमें सारी चीजें जो है वो करनी है परफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सिस्टम CTL फायरवॉल, हमें फायरवॉल बंद करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिसेबल फायरवॉल का कमांड चलाना होगा, डिसेबल फायरवॉल डी। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार हमें ये क्यों बंद करना है, क्योंकि रियल टाइम में जब आप होगे ना तो आपको ये बंद नहीं करना होगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सिक्योरिटी वालों को बस बताओगे कि यार देखो आप सिक्योरिटी देखते हो, मेरे को ये वाला पोर्ट ऑन चाहिए, ऐसे करके, तो वो मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस पे, क्योंकि हमारा काम सिक्योरिटी वाला नहीं है, हम लोग सीधा इसको डिसेबल कर देते हैं, जब हमें जरूरत होगी तब की तब देखी जाएगी, है ना, मतलब रियल टाइम में। अगर मैं आपको फ्री हाइफन एच दिखाऊं तो ये हमारा मेमोरी यूसेज है और ये हमारी स्वैप मेमोरी है, बट जो लिनक्स है वो स्वैप मेमोरी पे काम नहीं करता है, मतलब ये सॉरी जो हमारा कुबरनेटिस है इसको स्वैप हमें ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं स्वैप ऑफ कमांड डाल दूंगा हाइफन ए। ठीक है, और ये लगाऊंगा मैं सेमी कॉलन, जिससे क्या होता है हम एक साथ दो कमांड एक साथ रन कर सकते हैं, तो हम एसईडी करके इसको भी हम ये भी इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और मैं यहां कर दूंगा स्लैश स्लैश ETC स्लैश FS टैब। ठीक है, और इसको क्लोज कर दूंगा एंड कर दूंगा एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्वैप डी के बाद ये हटाना है यहाँ से, एंड कर देगा यहाँ सिंपली एंटर, यहाँ से हो गया स्वैप ऑफ। ठीक है, अब यहाँ मैं करूंगा कैट स्लैश ETC स्लैश FS टैब के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्वैप की जो एंट्री है वो यहाँ से गायब हो चुकी होगी। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ फ्री हाइफन एच तो आपको दिखेगा कि स्वैप यहाँ पे 000। ठीक है, सबसे पहले हमें दो ही काम करने थे, तो तीसरा काम एक और हमें करना है। देखो तीन हमें करने होते हैं, पहले इस पे हमें फायरवॉल डिसेबल करना होता है, देन हमें स्वैप पार्टीशन ऑफ करना होता है, एंड हमें एक ऐसे लिनक्स होता है उसको भी हमें यहाँ से हटाना होता है, डिसेबल करना होता है। बाय डिफॉल्ट आपका भी जॉब पे होगे ना तो आपको ये हमेशा डिसेबल ही मिलेगा, तो हम यहाँ इसको ऑलरेडी डिसेबल कर दे, आपको करना नहीं कभी पड़ेगा। ठीक है, सेट एंड फोर्स कर देंगे इसको हम, और अगर मैं इसको गेट एंड फोर्स करूंगा तो ये आपको शो करेगा परमेसिव मोड पे। ठीक है, तो मुझे इसको सेट एंड फोर्स 0 कर देना है, और इसको मैं एक बार ऐसे दिखाता हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ सेट एंड फोर्स, ठीक है तो देखो दिखा रहा है परमिसिव या जीरो या वन करना है, तो मैं यहाँ पे सेट एंड फोर्स 0 कर दूंगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको जो है वो डिसेबल करना है ऐसे लिनक्स को, इसके लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ती है एसईडी हाइफन आई, ठीक है हाइफन हाइफन फॉलो हाइफन सिम लिंक्स। ठीक है, तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कमांड हमें याद नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरत हमें पड़ेगी नहीं रियल टाइम में। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चीजों को ऑफ अपनी तरफ से, मतलब और कोई नहीं है, आप ही को करना है इसी वजह से। ठीक है, और मैं इसी को कर देता हूँ यहाँ से लिनक्स डिसेबल्ड। ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे एंड स्लैश ETC स्लैश SYS कॉन्फिग, और इसे मैं कर दूंगा सेलिनक्स एंटर। ठीक है, तो ये मेरा फिलहाल यहाँ से ऑफ हो गया, आप इसे जाके चेक भी कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं स्लैश ETC स्लैश सिस कॉन्फिग के अंदर जाऊं, अगर लिंक्स के अंदर सीरीज, यहाँ आपको दिख जाएगा जो सेलेनेक्स से हमारा वो हो गया डिसेबल। ठीक है, तो हमें ये तीन काम तो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, और हमें चौथा काम जो और करना पड़ता है डॉकर स्टार्ट करने से पहले बेसिकली, तो ये कुछ तीन चार काम है वो हमें करने पड़ते हैं। एक हमें और करना है, हमें सिस्टम CTL की सेटिंग्स को जो है वो अपडेट करना होगा ताकि हम कुबरनेटिस में नेटवर्किंग को यूज कर सके। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है ETC के अंदर जाकर, sysctl.d के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम kubernetes.conf के नाम से। ठीक है, kubernetes.conf, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं जब हमने सिंगल नोड क्लस्टर किया था, कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, ये लिखने के बाद शिफ्ट सेमी कॉलन WQ करके हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो यहां मैंने ये फाइल जो मुझे लगानी थी, वो मतलब डेटा लिखना था, वो मैंने लिख दिया है, आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ मैं कर दूंगा कैट, और आपको दिख जाएगा सेम चीज की मैंने ये एंट्री इसमें डाली है वो यहाँ पे दिख गई है। अब ये सेटिंग्स हमने जो करी है इसको मुझे अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे SYS CTL -System लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा रीस्टार्ट एक तरीके से। ठीक है, देखो सब पे लिखा गया अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाइंग, तो ये सेटिंग जो है वो मेरी अप्लाई हो गई। ठीक है ओके, तो मैंने कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर कर दी। ठीक है, अब मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है, बट डॉकर इंस्टॉल करने से पहले मुझे तीन पैकेजेस चाहिए होते हैं, वो मैं इंस्टॉल कर लूंगा। तो यम इंस्टॉल हाइफन वाई यस कर लूंगा पहले ही। ठीक है, यम हाइफन यूटिल्स, तो पहला पैकेज हमें यही चाहिए। दूसरा पैकेज है हमारा डिवाइस मैपर परसिस्टेंट, ठीक है ये हमें मिलेगा, और हमें मिलेगा ये LVM2।
ठीक है, तो तीन चीजें हैं, इसको मैं फिलहाल जैसे करूंगा एंटर ओके, तो अगर आपको दिखता है कि किस तरीके का कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कंट्रोल एल करके, अगर ये एरर आता है तो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ये मैं यहां से इसको पेज करके कर दूंगा किल, ठीक है, एंड अगेन मैं कमांड रन करता हूँ एंड सीरीज, इस बार कमांड रन हो गई, ठीक है। अगर आपका एरर आ रहा है प्रोसेस आईडी का, तो आप उसे किल कर सकते हो, किल कमांड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री रिक्वेस्ट जो है वो डॉकर का, उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी एड करेंगे, उसकी कमांड मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। उसकी कमांड है मेरी यम हाइफन कॉन्फिग कॉन्फिग मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा एड रेपो, और एड्रेस उसका है http://download.docker.com। हम जाएंगे लिनक्स के अंदर, वहां पे मिलेगा हमको CentOS और इसका नाम CE.repo, एंटर कर दूंगा। हम लोग बेसिकली हमने किया क्या, हम इस साइट पे गए docker.download.docker.com पे, और यहाँ हमने डॉकर का जो है वो रेपो यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब देखो लिख क्या आ रहा है कि रेपो जो है वो सेव हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार कि एक्चुअली में रेपो सेव हो गया है क्या। कैसे चेक होगा, सिंपली हम कैट करेंगे एंड एंटर करूंगा सीरीज, ये हमारा पूरा रेपो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ करने वाला हूँ कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं डॉकर इंस्टॉल करूंगा, बट याद रखना है कि डॉकर इंस्टॉल करते टाइम हमें वर्जन हमारा ध्यान रखना है कि हमने वर्जन हमें कौन सा करना है, क्योंकि वर्जन हमें जो करना है वो है 19.03. और यहाँ को 19.03.12, ये वर्जन हम इसमें यूज कर रहे हैं डेमो में, क्योंकि ये वर्जन था जिसके साथ कुबरनेटिस मैच हो रहा था, मतलब जिसके साथ कंपेटिबिलिटी है कुबरनेटिस की। तो मैं फिलहाल इस वर्जन को यहां से करूंगा, ठीक है, इंस्टॉल, और इसके बाद हम स्टार्ट और इनेबल कर लेंगे अपने डॉकर को। ओके, तो यहाँ पे आप देखो डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, systemctl, ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ कर दूंगा डॉकर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डॉकर को स्टार्ट कर देगा। अब मैं करूंगा systemctl इनेबल डॉकर, और ये मेरा सिस्टम जिसका इनेबल हो गया, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, systemctl स्टेटस डॉकर करोगे तो यहाँ पे हमें शो कर देगा ये ऊपर कि एक्टिव रनिंग पे भी है और इसका सर्विस भी जो है वो इनेबल है, देखो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया चीज को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गिट का पैकेज जो लेकर के आना है, जिसके लिए मुझे गिट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यम इंस्टॉल गिट कर लूंगा यहाँ पे -y, ठीक है। तो यहां से मेरा गिट इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे ना रिपोजिटरी जो है, मतलब जो मेरा गिट का पैकेज है, वो मुझे यहाँ पे क्लोन करके लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे गिट चाहिए होगा, तो मैंने गिट को यहाँ इंस्टॉल कर लिया, एंड मैं यहाँ पे गिट को अब क्लोन कर लूंगा। गिट क्लोन कैसे करेंगे, गिट क्लोन, और मुझे उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा जो कि है github.com, ठीक है, और जो मेरी रिपोजिटरी है उसका नाम है दिस, इस रिपोजिटरी पे बची है अभी फाइल, तो हम इसको उठा लेंगे यहाँ से pckages.git, ठीक है। तो ये क्लोन कर रहा है और ये सारे क्लोन्स कर देगा, तो इसने सारे पैकेजेस यहाँ क्लोन कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर ls-lrts करके, तो हमारा यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये कुबरनेटिस पैकेजेस है ना, k8 पैकेजेस यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल एल कर दूंगा स्क्रीन क्लियर, अब मैं cd करके जाऊंगा k8 पैकेजेस के अंदर, ठीक है, ये मैं चला जाऊंगा इसके अंदर। अब मैं आ गया हूँ इसके अंदर, अब मैं करता हूँ अगर यहाँ पे ls-lrts, तो आपको दिखेगा कि ये सारे पैकेजेस यहाँ पे आ गए हैं। तो मुझे ये सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने हैं, CRI टूल्स, क्यूब ADM, CTL, LET, क्यूबलेट, है ना, Kubernetes CNI, तो ये सारे मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे। तो इसके लिए कमांड यूज करूंगा यम इंस्टॉल, ओके, और यहां मैं सबको एक एक करके पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी से ये होता है पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो गया, एंड ठीक है, ये सारे पेस्ट हो गए। हाइफन वाई डाल दूंगा और एंटर कर देंगे, तो यहां पे अब ये सारे पैकेजेस इसके इंस्टॉल हो गए, तो मेरा जो मास्टर है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम क्लोन कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीजें हमें वर्कर्स पे भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मास्टर पे कर दी, अब मैं मास्टर को क्लोन कर दूंगा, तो जो इसमें है चीजें वो एज इट इज हमें आगे मिल जाएंगी। तो मैं यहां से इसको पावर ऑफ करूंगा एंड यहां से करेंगे इसको हम क्लोन, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरा। ओके, तो यहां मेरा देखो ये दिखा रहा है कंप्लीट, ठीक है, ये मेरा दिखा रहा है कंप्लीट, एंड अब मैं यहां से कर दूंगा इसको पावर ऑफ। ओके फ्रेंड्स, तो यहां मैंने कर दिया है इसको पावर ऑफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, वीएम पे जाएंगे, ठीक है, और इसे मैं कर लूंगा क्लोन यहां से, ठीक है, इसे करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां करेंगे क्रिएट फुल क्लोन नेक्स्ट, और यहां पे मैं इसका नाम जो है वो चेंज करके दे दूंगा K8S, और यहां मैं कर दूंगा इसको worker01, ठीक है, ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, और इसको मैं ब्राउज कर लूंगा, और इसको ब्राउज करके भी हम रखेंगे कुबरनेटिस के अंदर, और यहां मैं इसके अंदर एक और मेंशन कर दूंगा worker01 नाम से, एंड मैं कर दूंगा फिनिश, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगी रेडी हमारी मशीन, इसे हम कर देंगे क्लोज,
ये मेरी आ गई है Kubernetes एट वर्कर वन, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लेकर के आ गया देखो आपके सामने, और इसे मैं कर लूंगा एडिट वर्चुअल मशीन। तो इसके पास भी 2.5 GB की रैम है, ठीक है, और इसके पास भी 2 GB वर्चुअल प्रोसेसर है, ठीक है। इसकी रैम जो है उसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, रैम जो इसको मैं कर दूंगा 2048, 2 GB की रैम दे देंगे इसको, ठीक है, और ये 2 GB रैम हो गई, राइट। और इसके बाद भी 2 प्रोसेसर हमने इसको दे दिए हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से मैं मास्टर को एक और VM को मैं बना लूंगा क्लोन, ठीक है, और यहाँ करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट फुल क्लोन। इसका नाम जो है मैं यहां से चेंज कर देता हूं इस बार, ठीक है, K8S, और यहां मैं कर दूंगा वर्कर 02, ठीक है, ये हो गया। और यहां मैं ब्राउज कर लूंगा वापस से, इसको वहीं पे डाल देंगे जहां पे हमारी दूसरी वाली पड़ी हुई है ऑलरेडी, एंड यहां कर दूंगा फिनिश, और यहां मैं कर दूंगा क्लोज इसको भी, और इसको भी एडिट कर लेंगे हम, और इसको भी मेमोरी जो हमने 2.5 GB की दे रखी है ना, इसको भी मैं 2 GB कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 GB इज एनफ है। मेरे लैपटॉप में फिलहाल 8 GB की जो रैम है उसको मैंने 3 में डिवाइड कर दिया, दो दो दो, अभी इनके पास तीनों के पास मिला के टोटल लगभग 6 साढ़े 6 GB है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से एडिट कर लूंगा वर्चुअल मशीन को, एंड इसकी जो रैम है उसको मैं 2 पे ले आऊंगा, राइट, 2 पे ले आया, एंड ओके कर देंगे यहां से। तो ये मेरी मशीन यहाँ पे हो गई ऐसे, ठीक है। तो यहां मैं कर लूंगा पावर ऑन वर्चुअल मशीन को, और इसको भी कर लूंगा यहां से पावर ऑन, ठीक है, और मास्टर को भी यहां से कर लेंगे पावर ऑन। तो हमने तीनों को कर लिया है पावर ऑन, ठीक है, यहां से भी इसे कर लूंगा एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों में हमें क्या करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है, और इन तीनों को रूट के थ्रू लॉग इन कर लेना है। तीनों का पासवर्ड सेम है, तीनों का यूजर नेम सेम है, रूट के नाम से तीनों के तीनों यूजर नेम रहने वाले हैं, और तीनों का पासवर्ड है रेड हैट, ठीक है। तो इन तीनों को मैं यहां से ओपन कर ले रहा हूं। तो मैंने तीनों एप्लीकेशन जो है वो यहां से रन कर ली, तीनों वर्चुअल मशीन मैंने रन कर ली, ठीक है, तीनों पे राइट क्लिक करके एंड ओपन टर्मिनल पे मैं क्लिक करके ओपन कर लूंगा सबके टर्मिनल तीनों के, यहां क्लिक करेंगे ओपन टर्मिनल पे, और ये मेरा ऐसे खुल गया है ये लोकल होस्ट, ठीक है, और मैं तीनों के तीनों टर्मिनल ऐसे ओपन कर लूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने तीनों टर्मिनल आप देख सकते हो मैंने यहां से ओपन कर लिया है, ठीक है। अब तीनों पे सबसे पहला काम करना है मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है, ताकि जब हम काम करें तो हमें क्लियरली पता रहे, ठीक है, और हम एक दूसरे को बता भी सके कौन सा वाला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं कमांड टाइप करूंगा होस्ट नेम CTL, ठीक है, और यहाँ पे रहने वाली है मेरी सेट होस्ट नेम, ठीक है, और इसका नाम रखने वाला हूं मैं K8S यानी Kubernetes master.example.com, ठीक है, ये मैंने किया, एंड इसे हम कर देंगे एक तरीके से रीस्टार्ट। और कैसे करते हैं, बैश, बस आप बैश लिखोगे ये हो जाएगा रीस्टार्ट, एंड देखो यहाँ लिख के आ गया K8S master, ठीक है। एंड वैसे ही सिमिलरली हम यही कमांड को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका बस आखिरी वाला चेंज करेंगे अपन, इसको मैं यहां पे रन कर दूंगा, एंड यहां पे मैं लिख दूंगा K8S, और यहां लिख दूंगा मैं वर्कर 1, ठीक है, वर्कर 01, ठीक है, ये मैंने लिखा, किया एंटर, ये हो गया चेंज, एंड मैंने किया बैश, ठीक है। अब मैं सेम इसको उठा लूंगा यहां से इस बार, ठीक है, इसको उठाने के बाद इसको यहां से कर लूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने किया पेस्ट, एंड यहां पर इस बार कर दूंगा वर्कर 2, ठीक है। तो मैंने तीनों का दे दिया है, एंड इसको कर लिया बेस्ट। अब देखो कंट्रोल एल कर दूंगा स्क्रीन क्लियर, थोड़ा जूम कर लेता हूं, अब ये मेरा हो गया है वर्कर 2, ठीक है, ये वाला है वर्कर 1, इसको थोड़ा जूम, कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर एंड जूम, ये हो गया है वर्कर 1, और ये है मास्टर, कंट्रोल एल से जूम, ठीक है, स्क्रीन क्लियर किया एंड जूम कर लिया। अब यहां तक हमारा तीनों की तीनों चीजें रेडी हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके अंदर कुछ चीजें जो है वो इंस्टॉल करनी है, और उन्हें बतानी है आपस में, मतलब कि इन्हें इस तो स्टैटिक आईपी तीनों को देनी पड़ेगी पहले। तो जो सबसे इजी प्रोसेस है ना, मतलब इजी तो क्या ही है, तीनों में मुझे सेम चीज रिपीट करनी है, तो मैं तीनों को दिखा देता हूं आपको फटाक फटाक से। पहले हमें एक फाइल जो है वो कॉपी करनी है, ठीक है, कहां से कॉपी करनी है, /etc से कॉन्फिग के अंदर जाना है, ठीक है, देन यहां पे हमें मिलेगा नेटवर्क स्क्रिप्ट, ठीक है, network-scripts, और इसके अंदर जाएंगे हम ifcfg, ठीक है, और ENS 33, ये वाली फाइल मुझे कॉपी करनी है, ठीक है, और ये कॉपी करके मुझे इसका बनाना है एक बैकअप फोल्डर, कि अगर मेरा कुछ एरर आता है तो मैं सेम इसी फाइल को यूज करके, ये मैंने सेम टू सेम फाइल बनाई एंड .bak लगा दिया, यानी बैकअप के लिए हम इसको इंस्टॉल मतलब यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका बैकअप कर लिया है, राइट। तो आपको सेम चीज तीनों में फॉलो करनी होती है, तो मैं एक बार पहले एक में कर लेता हूँ, देन हम सब में अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। विम करूंगा, स्लैश करूंगा 33 के अंदर, हम इसी इसी वाली फाइल के अंदर जाएंगे, जो ये फाइल हमारी है ऑलरेडी, इसी फाइल के अंदर मैं जाऊंगा, विम एडिटर हमने यूज किया है, एंटर कर लूंगा, ठीक है। यहां आने के बाद हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कि मैं बूट प्रोटो पे आऊंगा सबसे पहले, यहां पे देखो लिखा है DHCP, इससे क्या होता है कि यही हमारा DHCP जो है डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो हमें हर बार डिफरेंट आईपी प्रोवाइड करता है, तो इसको मैं यहां से कर दूंगा नन, ठीक है, ताकि हमें ये स्टैटिक आईपी देगा, राइट। और हम आ जाएंगे, एस्केप करूंगा, शिफ्ट जी से हम आ जाएंगे लास्ट लाइन पे, ओ से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड पे, राइट।
और यहां आने के बाद अब मुझे कुछ चीजें इंसर्ट करनी है, जैसे कि IPADDR, ठीक है, ये मुझे इंसर्ट करना होगा, एंटर कर लेता हूं। और मुझे करना है नेट मास्क, ठीक है, इसको मैंने एंटर कर लेता हूं। और मुझे चाहिए होगा एक गेटवे, वो सब बताऊंगा मैं कहां से आएगा ये सब, ठीक है। एक चाहिए होगा मुझे DNS 1, ठीक है, एक चाहिए होगा DNS 2, ठीक है, ये सब चीजें मुझे चाहिए होंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले आईपी एड्रेस की। तो ये आईपी एड्रेस वो यहां मेंशन करूंगा जो मुझे रखना है, ठीक है, 192.168, ये तो इसका नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये हो गया 60 इसका सबनेट आईडी, ठीक है, और ये इसका 51 हो गया इसका होस्ट, ठीक है। तो ये मैं स्टैटिक आईपी दे रहा हूं, हमेशा यही आएगी इस पर लिख करके, ठीक है। अब नेट मास्क की बात करूंगा तो 255.255.255.0, ये मैं दिखाऊंगा आपको कहां मिलता है। अब बात आती है गेटवे की, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी कर लूंगा जिससे मेरा नया टर्मिनल खुल जाएगा, इसी मेन वाले का ही नया टर्मिनल, ठीक है, मास्टर का ही मतलब, ये देखो लिखा है ना यहाँ पे मास्टर, इसी का मैंने नया टर्मिनल खोला है, दूसरे टर्मिनल पे नहीं गया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे करना है आईपी, और इसको मैं कर दूंगा राउट, और ग्रेप करके हम ले लेंगे डिफॉल्ट वाले को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाइप आएगा ऐसे लाइक दिस, ये ग्रेप करके हम ले लेंगे डिफॉल्ट, एंटर करूंगा। अब ये मुझे मिल गया है इसका गेटवे, ठीक है, इसको यहां से कॉपी कर लेंगे एंड हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट टर्मिनल पे, यहीं से ये मैंने किया यहाँ पेस्ट। एंड DNS 1 भी हमारा पहला गेटवे रहने वाला है, एंड DNS 2 पे हम रखेंगे गूगल का गेटवे, दिस इज सॉरी गूगल का गेटवे नहीं है ये गूगल का DNS है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, ठीक है। अब मैं ये चीज ना सेम चीज हमें वहां भी लिखनी होगी, तो मैं इसे फिलहाल यहां से कर लेता हूँ कॉपी, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो फिलहाल मैंने कॉपी कर लिया, बाकी देखते हैं। एस्केप शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यों करके हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। एंड सेम हम कमांड को चेक कर देंगे एक बार कैट करके कि क्या ये कमांड सही से रन हो गई है कि नहीं हो गई, एंड कैट करूंगा एंड से दिस, सारी एंट्रीज हमारी सही तरीके से आ गई है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको सिस्टम CTL, सॉरी सिस्टम CTL, ठीक है, और इसे मैं कर दूंगा रीस्टार्ट नेटवर्क, जो हमने नेटवर्क को लिखा है उसको मैं कर लूंगा रीस्टार्ट। अब क्या होगा ना, जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो मेरी आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं अब आपको आईपी दिखाऊं, अगर मैं करूं इफ सॉरी इफ कॉन्फिग एंटर करता हूं, अब आपको दिखेगी वो 51 वाली मेरी आईपी जो हमें यहाँ पे जो हमने बनाई थी, ठीक है, ये बनाई थी हमने 192.168.65.1, और यहाँ देखो नेटमास्क हमने जो लिखा था वो हमारा नेटमास्क ये रहा, है ना, यहीं से हमें नेटमास्क मिल जाता है, तो हम यहाँ से भी नेटमास्क जो है वो ले सकते हैं। देखो नीचे भी दिखेगा आपको, ये दूसरा नेटमास्क है, ये है एलो का, ठीक है। तो फिलहाल छोड़ो, हमें तो अपने के मतलब था तो हमने अपना वाला देख लिया, ठीक है, दिस इज द नेटमास्क जो हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं पिंग करके google.com को भी, तो मैंने चेक किया तो ये हो रहा है, ठीक है, नेट से मतलब कनेक्टेड है ये, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक बार मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वापस से, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो हम जाएंगे worker 1 के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो मैं उस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, वो मुझे सेम कमांड हमें पहले तो जरूरत पड़ेगी, तो उस कमांड को मैं एक बार लिख लेता हूँ ऊपर से, ठीक है। वो जो सीपी वाली कमांड हमने, जो कॉपी वाली कमांड हमने यूज करी है, वो कमांड हम मैं इसको यहां उठाऊंगा सेम टू सेम, ठीक है, और इसे मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा एंटर, ठीक है, यहां भी एंटर हो गया। एंड मैं आप दोनों पे एक साथ करता हूं क्योंकि ना ये बंद हो जा रहा है, ठीक है, इसको हम खोल लेंगे वापस से रेड हैट, और यहां मैंने कर दी पेस्ट, सेम कमांड पेस्ट किए मैंने, मतलब कि हमने बैकअप ले लिया दोनों में, ठीक है, दोनों में मैंने बैकअप ले लिया है। अब मुझे दोनों के विम वाली कमांड मुझे चाहिए होगी, तो मैं ये विम वाली कमांड यहां से उठा लूंगा, देखो एक बार हमने कर लिया ना, तो अब हम उसको यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्मार्टली काम करना होगा, बार बार टाइप ना करना पड़े। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, और ये पेस्ट करने के बाद, ये पेस्ट करने के बाद हमें कुछ पेस्ट करनी है चीजें जो है हमारी, ये बस हमें आईपी जो है वो थोड़ी चेंज करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा शिफ्ट जी से आ जाएंगे लास्ट लाइन पे, एंड ओ प्रेस कर दूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे। यहां मैंने कर दिया पेस्ट, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आईपी है 51 थी इसकी हो जाएगी 52, और आपको एक चीज और चेंज करनी है, यहाँ पे DHCP लिखा था यहाँ कर देना नन, बस इतना चेंज करना है, ठीक है। एंड शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है, आ गए। अब सेम चीज मुझे यहां भी चाहिए, मैं इसी को उठाऊंगा वापस यहां से, कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने उठाया एंड यहां पेस्ट किया, एंटर किया, अब हम आ गए अगेन, ठीक है, और शिफ्ट जी से हम आ गए लास्ट लाइन पे, ओ करेंगे हम नेक्स्ट लाइन पे इंसर्ट मोड पे आने के लिए। वापस मैं इसे यहां से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने कॉपी किया, ठीक है, एंड यहाँ कंट्रोल शिफ्ट बी से मैंने उसको पेस्ट कर दिया, एंड मैंने 51 52 दे दिया है, तो यहां मैं 53 दे देता हूं, 53 यहां दे दूंगा, और यहां मैं कर दूंगा इसको नन, ठीक है, यहां तक इतना हो गया। शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू करके आ जाएंगे बाहर, ठीक है, एस्केप शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू, रट लो इस चीज को, वेम एड्रेस से बाहर आने के लिए यही हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो
हमने यहां तक सब कुछ कर लिया था, अब मुझे बस सिस्टम रीस्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि हमने सब में किया था, मतलब हमने मास्टर में किया था, एंड मैं सेम यहां कर लेता हूँ, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क, इसको भी कर लूंगा नेटवर्क रीस्टार्ट, एंड इसमें भी कर लूंगा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क, ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया रीस्टार्ट, ठीक है, ये भी हो गया रीस्टार्ट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरा मास्टर जो है वो यहां पे आ चुका है, ठीक है, तो ये मेरा मास्टर है, तो हमने सब में सब कुछ कर लिया है, हमने सब में आईपी असाइन कर दिया, स्टैटिक आईपी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस सबके अंदर बताना है कि सबकी आईपी क्या क्या है, ठीक है, और उसको कैसे करेंगे। देखो विम के अंदर जाएंगे, एटीसी स्लैश होस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहां मुझे चीजें ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो यहां मुझे तीन लाइनें इंसर्ट करनी होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसका आईपी देख चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आईपी कैसे चेक करते हैं इसका, इफ सेकंड वाले किसी एक का कर लेंगे तो हमें सारी मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि हमने बनाई तो वही थी ना, 5123 खाली कर दिया था, तो ये सेकंड वाले का आईपी है, राइट। और इसका हमने नाम भी रखा था, दिस ये नाम था मेरा, है ना, K8SWorker1Example.com, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सेकंड लाइन पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओके, यहाँ पे मुझे पेस्ट करनी थी इसकी आईपी, तो ये है इसकी आईपी, हमें मिलेगी ईएनएस के अंदर, दिस इज द आईपी, कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने कॉपी किया एंड कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने पेस्ट कर दिया, स्पेस दे करके, ठीक है, स्पेस दे करके 52 वाले का नाम भी मैं यहां से उठा लूंगा, ठीक है। तो ये मेरे सेकंड वाले का नाम है ना, वर्कर वन का, बहुत अच्छे से ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सेम चीज को मैं एज इट इज यहां से कॉपी करूंगा, हम एक स्टेप नीचे आएंगे, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या होगा, पेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि यहां मुझे करना है 53 और यहां मुझे कर देना है worker2, ठीक है, एंड मैं अगेन यहां पेस्ट कर दूंगा सेम चीज, तो यहां मैं कर दूंगा इसको 51 और यहां मुझे लिख देना है मास्टर, बस इतना फर्क है। अब देखो ये तीनों की आईपी लिख दी है और ये तीनों का नाम लिख दिया है, ठीक है, तो मैं इस चीज को यहां से कर लूंगा कॉपी, क्योंकि मुझे तीनों में करनी है सेम चीज, ठीक है। तो मैं यहां से इसको वापस एक बार कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने लिखा कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, एस्केप किया, शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के हम आ जाएंगे बाहर। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या डिटेल्स हमारी ऐड हो गई है, हाँ बहुत बढ़िया ऐड हो गई है, ठीक है। तो हम सेम चीज को यहां भी फॉलो करेंगे, ठीक है, तो हम कंट्रोल सी से इसको मैं थोड़ा सा आ जाता हूं अंदर इसके, ठीक है, जरा कंट्रोल एल किया, विम करेंगे हम स्लैश ईटीसी स्लैश होस्ट, ठीक है, हम आ जाएंगे इस फाइल के अंदर, आई प्रेस कर दूंगा और यहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एस्केप किया, शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू करके आ जाएंगे हम बाहर, और इसको भी हम चेक कर सकते हैं स्लैश ईटीसी स्लैश होस्ट करके, सॉरी होस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर भी डिटेल्स हमने फिल आउट कर दी है, ठीक है, इसके अंदर भी हम चेक कर लेते हैं विम स्लैश ईटीसी स्लैश होस्ट और आई प्रेस कर देंगे, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, यहां भी कर दूंगा सिमिलरली पेस्ट, ठीक है। तो मैंने तीनों को बता दिया है, अगर मैं आईपी कुछ भी करूंगा तो तीनों को पता है कि कौन सी आईपी में कौन सा वाला होस्ट है, ठीक है, तीनों को पता है, ओके। तो मैं यहां पे इसको कर लेंगे सेव, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू करके आ जाएंगे बाहर, ठीक है। इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि एंट्री हो गई है कि नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है जल्दी जल्दी में हम चीजें कर देते हैं बाद में इसको मिस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एल कर देंगे, स्क्रीन क्लियर, तो हमने सबको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब हमारा बार अब हमारी बारी आ गई है मेन चीज की, जो कि है कुबरनेटिस को इनिशियलाइज करने की, ठीक है। यहां भी मैं कंट्रोल एल से कर दूंगा स्क्रीन क्लियर, तो सारी स्क्रीन हमने कर ली है क्लियर, ठीक है। अब हमें क्यूब एडीएम की जो मुझे कमांड है वो मुझे रन करनी है, बट वो किस पे रन करनी है, जिसको मैं चाहता हूँ मास्टर बनाना, ठीक है। तो मुझे मास्टर किसको बनाना है, ऑब्वियसली मास्टर को बनाना है ना, तो मैं इस मुझे इसको बनाना है मास्टर, तो मैं इसमें रन करूंगा वो कमांड, ठीक है। तो कमांड क्या है, क्यूब एडीएम इनिट, यानी इनिशियलाइज करने के लिए, तो ये जो कमांड है ये आपको थोड़ा सा रटनी पड़ सकती है, इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है, एज एडवर्टाइज, क्योंकि इसमें क्या है ना कुछ है नहीं, बस आपको ये डालना है, ठीक है। अब आपको इसका आईपी देना है, ठीक। तो आईपी हमने क्या था, इसको मैं इफ कॉन्फिग करके इसका आईपी निकाल लूंगा, ये मेरे फर्स्ट वाले का ही है टर्मिनल, जो मैंने एक्स्ट्रा एक टर्मिनल खोला था, ये वही टर्मिनल है, ठीक है। इसको मैं इसकी आईपी जो है ये निकाल लूंगा, दिस इज द आईपी, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वाले का ही है, एंड मैंने यहाँ आईपी पेस्ट कर दी है, ठीक। यहाँ करने के बाद हाइफन हाइफन पॉड, हम पॉड को बताएंगे कि पॉड को नेटवर्क के लिए कि भैया आपको कौन से वाले सीआईडीआर यूज करने हैं, ठीक है। तो मैंने सीआईडीआर इज इक्वल टू यहाँ पे दे दूंगा 192.168.0.0/16, तो ये मैंने जो दिया है ना, देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, से दिस। अब जो ये मैंने पॉड नेटवर्क का सीआईडीआर दिया है, अब इसको यूज करके, इस सीआईडीआर को यूज करके जो हमारे पॉड्स होंगे ना वो खुद को अपनी आईपी असाइन कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सीआईडीआर दे दिया खाली, ठीक। यहां मैं कर दूंगा एंटर, जैसे मैं कर दूंगा एंटर,
आपके सामने आएगा कि ये देखो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये रन होना स्टार्ट हो गया है। ओके सो यहाँ पे एरर आ रहा है एक। ओके तो ये कह रहा है ना ये वाली कमांड रन करने के लिए, ठीक है, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड ये इस पे रन कर देता हूं। ठीक, ये मैंने कर दी रन, कंट्रोल एल से स्क्रीन कर दिया मैंने क्लियर, थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड मैं इसको वापस एक बार चला के देखता हूं। आई होप इस बार एरर, ओके तो इस बार भी एरर आ रहा है। ओके तो एरर आ रहा है ना, हमें क्या करना है सबसे पहले देखो, हमें इसको सिर्फ रीबूट करना है। ठीक, तो मैं इसे कर लूंगा रीबूट, तो ये हो जाएगी रीबूट। मुझे पता है सेम चीज इसमें भी आएगी प्रॉब्लम, तो मैंने इसको भी दे देता हूं वही सेम कमांड रन करने के लिए। इसको मुझे फिलहाल रीबूट कर लेता हूं मैं, मुझे इसको रीबूट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे पता है, एंड इसे भी कर लेता हूं रीबूट। इसे यहां से कर लेंगे हम नॉट लिस्टेड, और यहां मैं कर लूंगा रूट, और रेड हैट से सारे के सारे हम लॉग इन कर लेंगे फटाक, ठीक है। नॉट लिस्टेड करेंगे अगेन रूट, रेड हैट से इसको मैंने कर लिया लॉग इन, एंड सिमिलरली इसको भी रेड हैट से इसको भी कर लिया मैंने लॉग इन, ठीक है। यहां पे आ गए हैं, हम खोल लेंगे सारे टर्मिनल्स। ओपन किया मैंने टर्मिनल, ठीक है, तो मेरे सारे टर्मिनल्स जो है वो ओपन हो चुके हैं एंड हम इस पे हम लोग सिमिलरली वो वाली कमांड वापस से रन करने वाले हैं, दिस इज, ठीक है, क्यूब एटीएम इनिट करके हम इसको कमांड फिर से रन करेंगे एंड इस बार चेक करेंगे कि एरर इस बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके सो आप देख सकते हो कि ये हमारा इमेज फॉर्म करने लग गया है, ठीक है, क्यूब एटीएम कॉन्फिग इमेज, देखो ये फॉर्म करने लग गया है ना, बहुत बढ़िया। आप इस चीज को चेक कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट टी करूंगा तो नया टर्मिनल मेरा ओपन हो जाएगा, इसी का मेन वाले का ही, ठीक है, मास्टर वाले का, और इसको हम चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं इसको हम, डॉकर इमेजेस का अगर मैं कमांड रन करूं तो आपको ना दिखेंगी प्रॉपरली वो कमांड आते हुए। तो ये देखो यहाँ पे अभी एक आ चुका है, ठीक है, अभी 5-6 इमेजेस और आएंगी एज इट इज, ठीक है। बाकी हम तब तक देख लेते हैं, वर्कर और वर्कर टू जो है, वर्कर हमारे 1 और 2 दोनों रेडी हैं, ठीक है, आगे के कमांड्स रन करने के लिए। ठीक, फिलहाल मुझे वो टोकन वहां पे उनको पेस्ट करना पड़ेगा जाकर के, तो टोकन पेस्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इनको हम आ जाने देते हैं हमारे सारे के सारे। आप देख सकते हो हमारा मास्टर वाले पे हमारा ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, और इसी के अगर मैंने इसको जो इसका नया टैब खोला है टर्मिनल, उस पर हमको दिख रहा है कि हमारी इमेजेस कैसे कैसे आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सबको पुल कर रहा है, ठीक है, कमांड भी हमारी भैया क्यूब एडीएम कॉन्फिग इमेजेस पुल, इमेजेस पुल करने की कमांड है ये, तो ये इमेजेस यहाँ से पुल कर रहा है। तो जब ये हमारी पूरी तरीके से पुल हो जाएंगी, ठीक है, 6 या 7 आई थिंक आती है, 4 हो गई है, 2 6 1 आई थिंक और आएगी इसमें बीच में, ओके तो आ चुकी है कोर डीएनएस भी, तो हमारी 7 तो आ चुकी है एंड बस यहाँ से रन हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ओके दिस में टेक अप टू 5-4 मिनट्स ऐसा दिखा रहा है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड इट्स डन। देखो आपको लिख के आ रहा है यहाँ पे, योर कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन हैज इनिशियलाइज सक्सेसफुली। कंट्रोल प्लेन का मतलब होता है मास्टर नोड, ठीक है, कंट्रोल प्लेन का मतलब होता है मास्टर नोड, एक होता है कंट्रोल प्लेन और दूसरा होता है वर्कर प्लेन, ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन हमारा मास्टर नोड होता है। अब ये क्या कह रहा है, टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर, आपको इस कुछ कमांड रन करनी होगी, कौन सी कमांड है, मेरी पहली कमांड है ये, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंटर, ये रन हो गई, एंड हमारी दूसरी कमांड है ये, ठीक है, ये तीन हमारे कमांड्स जो है वो रन करनी है प्रॉपरली वे में, तो मैं यहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंटर, ठीक है, एंड हमारी ये थर्ड कमांड है, मुझे इनको पहले फिलहाल पेस्ट कर देना है, तो मैंने इन्हें कर दिया है पेस्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि आपको जो अपने जो वर्कर्स हैं उनको आपको उनके अंदर जाकर के ये चीज रन करनी है, ठीक है। ये रन क्यों करनी है, क्योंकि ये आपका टोकन है, ठीक, ये आपका टोकन है, तो आप इसको रन करोगे जब, तो ही वो आपके में इसमें ऐड होंगे, तो वर्कर्स पे जाएंगे हम, और मैं ये पहली कमांड यहाँ पे रन कर दे रहा हूं, ठीक है, एंड सिमिलरली मैं दूसरे पे भी जाकर के इसको रन कर देता हूँ, क्योंकि ये टाइम लगता है थोड़ा सा। देखो लिख करके आ गया, जो हमारा वर्कर नोड 1 है पहला वाला, ये लिख करके आ गया, दिस नोड हैज ज्वाइन द क्लस्टर, मुझे क्लस्टर को ज्वाइन कर लिया हमने, इसने ये बोला, ठीक है। इसका लिख क्या गया, दिस नोड हैज ज्वाइन द क्लस्टर, इसने भी क्लस्टर ज्वाइन कर लिया, ठीक। और हम क्या करते हैं, दोनों पे सिस्टम CTL इनेबल कर लेते हैं, हो सकता है इशू बाद में आ जाए, इसलिए मैं पहले इनेबल कर देता हूं, ठीक है, इसमें भी हम कर लेंगे इसको इनेबल, सिस्टम CTL इनेबल कूप लेट, ठीक है, इसको मैंने फिलहाल इनेबल कर लिया है, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। हमने दोनों में पेस्ट कर दिया है, ठीक है, दोनों हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, अब हम उसको चेक कर सकते हैं कहां पे, यहीं पे आकर के, यहां मैं करूंगा क्यूब CTL और यहां कर देंगे अपन गेट नोट्स, ठीक है, तो हमें नोट्स हमारे शो कर देंगे देखो तीनों, बट ये स्टेटस इसका नॉट रेडी है, स्टेटस इसका नॉट रेडी है ना, रोल्स यहाँ पे वर्कर लिख के आएगा अभी, ठीक है, देखो स्टेटस इसका नॉट रेडी है, क्यों रेडी नहीं है,
क्योंकि हमने अब तक इनको रनिंग स्टेट में लाने के लिए हमें एक नेटवर्किंग डिप्लॉय करनी पड़ती है। तो नेटवर्किंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलिको नेटवर्किंग यूज करते हैं। ठीक, तो उसके लिए ना मुझे एक कमांड जो है वो रन करनी पड़ेगी अपने मास्टर पे, तो मैं उसको रन कर लेता हूँ। kubectl हाइफन हाइफन क्यूब कॉन्फिग, क्यूब कॉन्फिग ओके स्लैश etc स्लैश कुबरनेटिस, ठीक है, एडमिन डॉट कॉन्फ की फाइल है, ठीक है, और मुझे इसको क्रिएट करना है फाइल को, तो हाइफन एफ कर देंगे हम फाइल के लिए। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे फाइल के लिए। एंड यहाँ दूंगा एड्रेस https, ठीक है, और यहाँ रहेगा मेरा डॉक्स डॉक्स डॉट प्रोजेक्ट कैलिको कैलिको डॉट ओ आर जी, सॉरी कैलिको डॉट ओ आर जी, और स्लैश कर लेंगे इसको वर्जन 3.14, और ये हो जाएगा हमारी मैनिफेस्ट के अंदर। मैनी मैनिफेस्ट क्या होता है, मैनिफेस्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट के अंदर जाएंगे हम कैलिको डॉट यमल, एंटर कर दूंगा सिंपली इसको, ठीक है, एंड ये सारी सारी फाइल्स क्रिएट कर देगा। आपको देखो दिखेगा क्रिएटेड क्रिएटेड सबके बाहर लिखा हुआ है, सबके लास्ट में क्रिएटेड 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 क्रिएटेड, इसने बहुत सारी चीजें क्रिएट कर दी है, ठीक है। हम इस चीज को चेकआउट कहाँ कर सकते हैं, ये जो क्रिएट हो रहा है इसको मैं वापस अपने इस टर्मिनल पे जाऊंगा जो हमने नया टर्मिनल क्रिएट किया था वॉच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच वॉच हम करेंगे अगेन, बट इस बार हम वॉच करने वाले हैं kubectl, ठीक है, गेट ऑल हाइफन ए, ठीक है, एंटर कर दूंगा एंड सी दिस। अब ये जो हमारे पॉड्स है ना ये अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो इन सबको देखो दो रनिंग में आ गए, ठीक है, ये देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है ना, सब दिखा रहा था ना क्रिएटेड क्रिएटेड, तो ये सब है, और इन सबको हमारा रनिंग में आना, जैसे ये सब रनिंग में आ जाएंगे ना हमारे पॉड्स हैं जो वो आपको रनिंग पे दिखेंगे, मतलब यहाँ पे kubectl गेट नोट्स है, देखो एक हमारा रेडी हो गया, तो ये दो भी रेडी हो जाएंगे कब, जब ये हमारे सारे रनिंग में आ जाएंगे पॉड्स, ठीक है, ये देखो अभी इतने बाकी हैं, तो इन सबको आ जाने दो, तब हमारा ये जो kubectl है ये भी हमारा रनिंग में हो जाएगा, ठीक है, ये भी रनिंग में आ जाएंगे हमारे जो गेट नोट्स हैं। हमें बस यही है, हमारा टारगेट यही है, हमें इनको रनिंग में लाना है, यही हमारा प्लान है आज का, और जैसे ही हमारा पूरा हो जाएगा तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हम बस इनको रेडी करना है, हमारा अपना क्लस्टर हमको रेडी करना है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे, और बस वेट ही करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे काफी सारे रनिंग पे आ चुके हैं, बस हमारा एक बचा है कंटेनर, ठीक है, और तब तक एक बार और चेक कर लेता हूँ कि क्या पता हमारे सब रेडी रेडी। ओके, तो हमारे जो सारे देखो आप देख सकते हो हमारे नोट जो है वो सबके सब रेडी हो चुके हैं, मतलब हमारा क्लस्टर जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे इस पे कुछ एरर आ गया था, क्रैश लूप बैक ऑफ हो गया था, बट ये खुद से रिस्टार्ट होकर के अपने आप को एक्टिव कर लेगा, राइट। तो कोई दिक्कत वाली चीज इसमें भी है नहीं, ये हो गया रिस्टार्ट, ठीक है, ये लूप बैक ऑफ आपको दिखा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, एंड सी दिस, इसने एक बार रिस्टार्ट किया अपने आपको, एंड ये अगेन आ चुका है रनिंग पे, ठीक है। तो ये आपको जीरो दिख रहा है, ये भी आ जाएंगे रनिंग पे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे पॉड्स जो है, जो हमारे नोड्स है सॉरी, वो रेडी हो चुके हैं, और हमारा मल्टी नोड क्लस्टर वो रेडी हो चुका है विद वन मास्टर एंड टू वर्कर नोड्स, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसा ही क्रिएट कर लेना है, हमें अगले जो हम आगे वीडियोस करेंगे ना उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें तब बनाएंगे नहीं हम ये क्लस्टर्स, हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, हम बस ये वर्चुअल मशीन को लॉन्च करेंगे तो ये हमारे एज इट इज हमें रेडी मिलेंगे। हमने कनेक्शन कर दिया है इनको, एवरीथिंग हमने परफेक्टली हमने सेट कर दी है, तो कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं, ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है। और दैट्स इट, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपने फैन रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, इन सबको ऑफ करना मत भूलना, यहाँ आपको सिंपली मेंशन करना होगा पावर ऑफ, और ये सारे सारे पावर ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं मेंशन करना है बेसिकली, यहाँ पे तो पासवर्ड ही मेंशन करना है, जब ये ओपन हो जाएगा तब, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा इसको, और यहाँ आपको मेंशन कर देना सिंपली पावर ऑफ, आपको सबको खाली पावर ऑफ करके रख लेना है, डिलीट कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस खाली पावर ऑफ करके रख लो, एंड सिंपल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको यूज करेंगे, बाय।